नमस्कार दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में व्रत के दौरान सेंधा नमक के सेवन के बारे में बताया गया है। धर्म ग्रंथों में सेंधा नमक को सात्विक बताया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सेंधा नमक के सेवन को ही क्यों महत्वता दी गई है और इस नमक के फायदे क्या क्या हैं? ऋषि वाग्भट ने भी अपने ग्रंथों में कहा है कि व्रत या फलाहार में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। वहीं आयुर्वेद में इसे बहुत ही गुणकारी माना गया है। तो वहीं चिकित्सकों के मुताबिक रोजाना इस नमक को खाने से वात, पित्त और कफ संबंधी दोष नहीं होते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है और कैंसर का खतरा भी कम होने लगता है। सेंधा नमक का स्वाद नमकीन तो होता है, लेकिन खाने के बाद ये शरीर में मधुर रस में बदल जाता है। अपने इसी गुड़ की वजह से ये दूसरे नमक से अच्छा माना जाता है। इसमें तीखापन दूसरे नमक से कम होता है, जिससे भूख बढ़ती है और खाना भी आसानी से पच जाता है। इस नमक के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और पेट संबंधी परेशानी नहीं होती है। ये नमक हृदय रोग में राहत देने वाला माना गया है। इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म का लेवल सही बना रहता है। ये शरीर में पानी की उचित मात्रा को भी बनाए रखता है। इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है, साथ ही डाइजेशन भी सही रहता है। खाने में इसे शामिल करके ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखा जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस नमक में करीब 84 पोषक तत्व होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपकी हड्डियों के साथ साथ शरीर के कई अंगों के लिए भी लाभदायक होते हैं। शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सेंधा नमक तनाव दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। ये बॉडी और दिमाग को रिलैक्स करता है। इससे तनाव, चिंता जैसी समस्याएं दूर रहती है। इसकी चुटकी भर मात्रा खाने से डाइजेशन सही रहता है। रक्त विकार आदि के रोग जिसमें नमक खाने को मना हो, उसमें भी सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।